सब्सक्राइब करें और टेक्निकल फैमिली को और हिट करें बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली में। आज से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ प्रोग्रेस कर रहे होंगे। कुछ टाइम से हमें मैसेज आ रहे थे, कुछ कॉल्स आए थे कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वीडियोज अपलोड नहीं हो रही है। जी हाँ, मैं कुछ बिजी था, किसी कारण से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों के लिए वीडियोज लाता रहूं, कुछ नई नई चीजें लाता रहूं जिससे आप लोगों को फायदा हो सके, आप लोग कुछ सीख सके। तो सबसे पहले जो मैसेज आए थे कि MIUI 10 के बारे में, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि Redmi Note 5 Pro जो है उसके लिए ऑफिशियल स्टेबल अपडेट ऑफ MIUI 10 जो है वो आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। तो लोग बोल रहे थे कि हमारे फ़ोन में नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये रोल आउट हो चुका है, ये सेंड कर दिया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे MIUI Note 5 Pro के यूजर हैं, इसी कारण से सबको एक साथ नहीं मिल सकता, लेकिन धीरे धीरे सबको मिल जाएगा, 1 मंथ के अंदर सबको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताइए कि नहीं मिला है, तो फिर हम आगे उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि कैसे वो आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ की अगर बात करूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली पुणे के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक महिला के अकाउंट से 1.23 लाख रुपीज़ का जो है फ्रॉड हो चुका है। जी हाँ, वो ऐसे हुआ कि उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो ईमेल पे अपलोड कर रखा था, जितनी उनकी अकाउंट्स थी, उसकी आईडी थी, विभिन्न पासवर्ड थे, जितने भी डिटेल्स थे, उनकी प्राइवेसी डिटेल्स थी, वो सारे उन्होंने अपलोड करे थे, रखी थी अपनी ईमेल पे। हुआ यूँ कि हैकर्स ने उनकी ईमेल को हैक कर लिया, उस वहाँ पर जितनी जानकारी थी उसके थ्रू उनके अकाउंट को हैक करके सारा अमाउंट निकाल लिया, वहाँ से फ्रॉड से निकाल लिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको अपने फ़ोन में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं, मैं अपना आई बटन में जो है उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी अपनी ईमेल को जो यूज़ करें तो उसका जो पासवर्ड है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करते रहें, और कुछ भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड ना करें, कुछ प्राइवेसी का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं ATM कार्ड के बारे में। जी हाँ, SBI ने दिया है नया अपडेट जिसके अंतर्गत जो उन्होंने बताया कि RBI के गाइडलाइंस के अनुसार जितने भी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले पुराने कार्ड हैं, जो इस तरह के कार्ड हैं, आपने देखा होगा मेरे पास भी है पुराना कार्ड, ये बंद हो जाएंगे। जी हाँ, आपको इस ईयर के लास्ट यानी 31 दिसंबर से पहले आपको इसको चेंज करवा लेना है, इसका कोई भी फी नहीं लगेगा। इसके बदले आपको ये चिप वाले कार्ड जो है, ये देख सकते हैं आप, ये चिप वाले कार्ड आपको दे दिए जाएंगे जो कि बहुत ही सेफ हैं। अब ये इन्होंने इनिशिएटिव क्यों लिया, क्योंकि इस मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड के अंदर ये हो रहा था कि जब भी आप इसको ATM कार्ड में यूज करते थे तो बहुत सारे जगह ऐसा हो रहा था कि वो क्लोन कर लिया जाता है। क्लोनिंग क्या होता है, जब भी आप अपना ये कार्ड ATM कार्ड के अंदर डालते थे तो वहां से पहले ही से क्लोनिंग के लिए मशीन लगाया जाता था, जिसकी वजह से जैसे ही आप उसको डालते थे वो सारा डाटा उसके अंदर कॉपी हो जाता था। आपको मैं बता दूं, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड जो होते हैं वो हमेशा बैंक के साथ ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में रहते थे, इसीलिए वो हैकिंग के लिए इजीली हो जाता था। लेकिन जब भी आप ये चिप वाले कार्ड यूज करेंगे तो इसके अंदर ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन के लिए एक पिन क्रिएट किया जाता है जो कि आपके द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है, तभी वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने बैंक से संपर्क करें या जो भी इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं वो इंटरनेट बैंकिंग थ्रू अपना डेबिट कार्ड चेंज जरूर कर लें, ये आपके हित के लिए है, आपके लिए सेफ है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही चेंज किया जाएगा। अगर आप इसको चेंज नहीं करवाते हैं तो आप 31 दिसंबर के बाद इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीजें जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, आपको बतानी थी कि कैसे आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं, और अपनी जो पुरानी डेबिट कार्ड है उसको चेंज करवा के अपनी प्राइवेसी को सेफ कर सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से भी बच सकते हैं, और कैसे आपको MIUI 10 का अपडेट मिलेगा Redmi Note 5 Pro के अंदर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें और हमेशा हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच।